हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिंपली स्टाइल ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुरंजना और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक संडे व्लॉग। संडे को तो वैसे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस रहती है क्योंकि कोई काम तो रहता नहीं है, पर मैंने आज प्लान किया था कि सुबह उठ करके सबसे पहले सारी साफ़ सफ़ाई करूँगी आराम से टाइम ले करके, क्योंकि बाकी दिनों में तो ये सब हो नहीं पाता है। ऑल दो मेरा 9 to 5 का कोई जॉब नहीं है, पर मैं अपने डांस क्लासेस और स्टडीज़ रिसर्च वगैरह लेकर के इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि वीकडेज़ में साफ़ सफ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, संडेज़ हो या वीकडेज़ हो, हम हाउसवाइफ्स को तो कुकिंग डेली करनी पड़ती है, किचन के काम तो डेली ही रहते हैं, उससे तो हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। पर क्लीनिंग ही एक चीज़ है जो मैं संडे के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो आप मेरे व्लॉग्स एंड तक देखते ही हैं, पर अगर आप अपने कामों में बिज़ी है और मेरा व्लॉग एंड तक नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं अभी आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो तो। अब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं आज पूरी बनाने वाली हूँ, उसमें मैंने कसूरी मेथी थोड़ी ऐड की है। और मैं पूरी बनाने के लिए आटा का ही इस्तेमाल करती हूँ, मैदा मैं नहीं यूज़ करती हूँ। बहुत दिनों से हमने मैदा खाना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, बंद नहीं किया है, कभी कभी यूज़ करते हैं, पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम लोग आटा का ही पूरी बनाते हैं। तो आज संडे है इसलिए थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक खाना खा रहे हैं। आउट ऑफ द ट्रैक इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आज बहुत मन कर रहा था पूरी खाने का और संडे है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बाकी फिर वीक डेज़ में तो मैं वैसा ही खाना खाऊंगी जो वेट लॉस में मुझे हेल्प करेगा। तो कोलकाता में अभी ठंड बिल्कुल कम हो गई है, दिन में धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो मैंने काफ़ी सारे ऑरेंज पील्स अलग करके रखे थे, तो उन्हें मैं अभी धूप में दे रही हूँ तो वो अच्छे से सूख रहे हैं। और आपने देखा कि बेर भी मम्मी ने सूखने के लिए डाला है, उसकी भी चटनी बनने वाली है। मम्मी बहुत टेस्टी बेर की चटनी बनाती है। और लंच के लिए आज बना था फ्राइड राइस और चिकन। आज संडे है तो चिकन होना मैंडेटरी है। आज फ्राइड राइस मम्मी ने नॉर्मल जो चावल होता है जो घर पे हम खाते हैं उसना चावल, उसी का बनाया था और ऑलिव ऑयल से बनाया था, तो वो काफ़ी हेल्दी था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने खाया भी था बहुत सारा। सो दिस इज़ माय प्लेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब कोलकाता में ठंड कम हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि जितने भी गर्म कपड़े हैं उन्हें वॉश करके साइड कर दूँ, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा वॉशिंग मशीन काफ़ी दिनों से ख़राब हो गया है और उसे रिपेयर करने की बहुत कोशिश की जा रही है पर हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड शाम को गए थे वॉशिंग मशीन सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दोनों ही वॉशिंग मशीन्स देखे एंड फाइनली वी केम टू द आउटकम के एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हैं, टॉप लोड वाला। सो दिस इज़ द वॉशिंग मशीन दैट वी हैव सिलेक्टेड। ये बॉश कंपनी का है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ के सेल्समैन ने दिया। 7 kg का है, हमारे लिए परफेक्ट है। एंड इसका टब भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वॉल्यूम दिया है इसमें और स्क्रबर्स वगैरह भी अच्छे हैं, तो मुझे देख कर के तो बहुत अच्छा लगा है। हमने बुक भी किया है, अब इसे यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि इसका रिव्यू क्या है। सो होपफुली 2-3 दिन में ये डिलीवर हो जाएगा एंड उसके बाद 1-2 दिन में इंस्टॉल भी हो जाएगा, तो मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं कुछ विंडो शॉपिंग कर रही थी, दीज आर द रोबोटिक मॉप्स एंड डस्टर्स जो मैं देख रही थी वैक्यूम क्लीनर्स की कैटेगरी में। तो जब तक मेरे हस्बैंड बिलिंग करवा रहे थे आई वॉज़ बिज़ी डूइंग विंडो शॉपिंग। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सायोनारा, गुड लक एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। बाय बाय।